दोस्तों ये है मेरा मोबाइल YouTube सेटअप जिसको कि मैंने तैयार करी अपने स्मार्टफोन से YouTube वीडियो शूट करने के लिए। आप देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, लिटरली मेरे टेबल के ऊपर पूरा सेटअप आ जाता है और इससे मैं हाई क्वालिटी में अपने YouTube वीडियोज को शूट कर सकता हूँ। अच्छी बात यह है कि ये सेटअप कम्प्लीटली वायरलेस है, आपके इलेक्ट्रिसिटी के साथ इसका कोई कनेक्शन नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी रहे या फिर ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इस सेटअप को कहीं भी कभी भी लेकर के जा सकते हो और अपने वीडियोज को शूट कर सकते हो हाई क्वालिटी में अपने स्मार्टफोन के अंदर। और ये सेटअप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में आता है। मे बी आपके लिए ये एक्सपेंसिव हो सकता है, बट एक YouTube स्टूडियो सेटअप के हिसाब से ये काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। तो दिखाते हैं आपको मेरा ये सेटअप, पर उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए। तो दोस्तों इस सेटअप के लिए मैं इस चार एक्सेसरीज का इस्तेमाल करने वाला हूं जो कि आता है एपेक्सल ब्रांड की तरफ से। नहीं, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। प्रोडक्ट में जो भी अच्छाई या फिर बुराइयां होंगे वो सभी आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। ओके दोस्तों, तो इस सेटअप को तैयार करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए एक ट्राइपॉड जो कि मैं इस्तेमाल करने वाला हूं एपेक्सल के मल्टीफंक्शनल फ्लेक्सिबल ट्राइपॉड का। ये एक मिनी ट्राइपॉड है जिसके ऊपर आप अपने फोन को माउंट करेंगे और अपने टेबल के ऊपर रख देंगे, उसके सामने बैठकर आप अपने वीडियोस को शूट करेंगे। मैं यहां पर मिनी ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर रहा हूं बिकॉज मैं अपना जो सेटअप है उसको कॉम्पैक्ट रखना चाहता हूं और ट्रैवल फ्रेंडली रखना चाहता हूं ताकि आप इजीली उसको कहीं पर कैरी करके लेकर के जा सको। बट अगर आप मिनी ट्राइपॉड का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो, अगर आप खड़े होकर अपने वीडियोस को शूट करना चाहते हो तो आप एक फुल साइज ट्राइपॉड का इस्तेमाल कीजिएगा। बाकी ये जो प्रोडक्ट है इसका बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज्यादा प्रीमियम है। एपेक्सल के लगभग सारे प्रोडक्ट्स का जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम होता है। जो भी मटेरियल इसमें यूज किया गया है वो बहुत ही हाई क्वालिटी का है, खास करके इसका जो बॉल हेड है वो मेरे को पर्सनली बहुत ही ज्यादा पसंद आया, बहुत ही ज्यादा रिलायबल है। इवन इसके ऊपर आप अपने हेवी DSLR कैमरास को भी माउंट कर सकते हो। एंड इसके जो लेग्स है ये फ्लेक्सिबल है, मतलब इसको आप कुछ इस तरीके से बैंड कर सकते हो एंड इसे आप अपने ब्लॉगिंग के लिए एज ए गोरिल्ला पॉड की तरह इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद आते हैं लाइटिंग के ऊपर जो कि किसी भी स्टूडियो का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे महंगा हिस्सा होता है। लोग एक एक लाइट के ऊपर 50-60 हज़ार रुपया तक खर्चा कर देते हैं, पर हम इतना खर्चा नहीं करने वाले हैं। हम सिंपली टू लाइट लाइटिंग सेटअप का इस्तेमाल करेंगे। एक लाइट जो कि हमारे फेस के ऊपर आएगा, हमारी बॉडी को लाइट देगा एंड जो दूसरा लाइट है उसको हम अपने वीडियो के बैकग्राउंड में इस्तेमाल करेंगे। मेन लाइट के तौर पर मैं यहाँ पर इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वाले LED लाइट बार किट का। ये एक LED लाइट बार किट है जिसको कि आप वीडियो कॉन्फ्रेंस, मेकअप या फिर इस तरीके की वीडियो शूट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो अपने फोन या फिर अपने कैमरे के साथ। बॉक्स के अंदर आपको एक्सेसरीज मिल जाते हैं जिससे कि आप इसको इजीली अपने फोन या फिर कैमरे के ऊपर माउंट कर सकते हो या फिर आप इसे वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए यूज कर सकते हो अपने लैपटॉप या फिर अपनी वेबकैम के साथ। इसको आप पावर देने वाले हो टाइप सी केबल के थ्रू, जहां पर केबल में आपको एक कंट्रोलर मिलता है जिससे कि आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो या फिर इसकी इंटेंसिटी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो। बात करें इसके इंटेंसिटी की तो इंटेंसिटी सफिशियंट है मोबाइल से वीडियो शूट करने के लिए। मोबाइल से यूट्यूब वीडियो शूट करने के लिए हम मोबाइल से बहुत ज्यादा दूर नहीं जाते, बहुत ज्यादा पास रहकर वीडियो को शूट करते हैं एंड मोबाइल से वीडियो शूट करने के लिए इसका जो लाइट है वो सफिशियंट है। कुछ स्मार्टफोन्स कैमरे के लिए ये वाला लाइट थोड़ा सा कम पड़ सकता है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि आपके रूम के अंदर जो नॉर्मल लाइट आप यूज करते हो उसको आप ऑन करके रख दीजिएगा। वो क्या करेगा कि आपकी वीडियो का जो ओवरऑल लाइट है उसको थोड़ा सा इंप्रूव करेगा एंड ये वाला जो लाइट है ये आपके डायरेक्टली बॉडी के ऊपर फोकस करेगा, उसको अच्छी तरीके से लाइट देगा। नाउ मेन लाइट का तो जुगाड़ हो गया, बट आप देख सकते हो वीडियो बैकग्राउंड बहुत ज्यादा बोरिंग दिख रहा है। तो वीडियो के बैकग्राउंड को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम यहाँ पर एक स्पेशल लाइट का इस्तेमाल करेंगे। हम इस्तेमाल करने वाले हैं इस वाले स्पेशल RGB लाइट किट का। ये एक RGB पैनल है जो कि रिचार्जेबल बैटरी के साथ आता है एंड इसमें आप अलग अलग कलर्स चूज कर सकते हो एंड अलग अलग कलर्स अपने वीडियो बैकग्राउंड में आप इसको यूज कर सकते हो या फिर इसे आप ऐसे हेयर लाइट की तरह इस्तेमाल कर सकते हो अपने बॉडी को बैकग्राउंड से सेपरेट करने के लिए। एज यू कैन सी यहाँ पर मेरे बॉडी के साइड में आपको थोड़ा सा ग्रीन कलर देखने को मिल रहा होगा जो कि इसी लाइट से निकल के आ रहा है। यहाँ पर राइट साइड में मैंने इसको प्लेस करके रखे हैं, तो कुछ इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो अलग अलग लाइटिंग इफेक्ट क्रिएट करने के लिए। और ये सिर्फ और सिर्फ एक RGB पैनल नहीं है, इसको आप अलग अलग पर्पस में यूज कर सकते हो। सिनेमाटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हो, फिल्म मेकिंग में इस्तेमाल कर सकते हो, फोटोग्राफी में इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत ही ऑसम लाइट है, इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनता है जो कि मैं जल्दी आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा, तो मेक श्योर कि आप इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। नाउ इस RGB लाइट को वीडियो के बैकग्राउंड में इस्तेमाल करने के बाद आप देख सकते हो वीडियो बहुत ही ज्यादा ऑसम दिख रहा है। नाउ यहां पर वीडियो का सेटअप तो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी हम आते हैं ऑडियो के ऊपर बिकॉज ऑडियो इक्वली इंपॉर्टेंट है वीडियो की तरह। अपने वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए आप कोई सा भी माइक्रोफोन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेवलियर, शॉटगन, जो भी माइक्रोफोन आपको पसंद है आप यूज कर सकते हो। पर क्योंकि हम अपने सेटअप को इजी टू यूज और ट्रैवल फ्रेंडली रख रहे हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक वायरलेस माइक्रोफोन का इस्तेमाल करूंगा और वायरलेस माइक्रोफोन मैं यूज करूंगा एपेक्सल के ये वाला वायरलेस लेवलियर माइक्रोफोन का जो कि बहुत ज्यादा इजी टू यूज है, आपके फोन के साथ इजीली कनेक्ट हो जाता है और अच्छी क्वालिटी का वॉइस आपको ये रिकॉर्ड करके दे देता है। बॉक्स के अंदर आपको एक माइक्रोफोन और एक रिसीवर मिलता है। जो रिसीवर है इसको आप अपने फोन में जो टाइप सी पोर्ट है उसमें कनेक्ट करेंगे OTG के थ्रू एंड जो माइक्रोफोन है उसमें ये जो पावर बटन है उसको आप प्रेस एंड होल्ड करके रखेंगे तो माइक्रोफोन ऑन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली रिसीवर के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
गया। फिर इसको आप अपने शर्ट या फिर टी शर्ट के ऊपर कुछ इस तरीके से क्लिप करेंगे एंड ये रेडी हो गया इस्तेमाल करने के लिए। ना हो सकता है आपके फोन के अंदर जो सिस्टम कैमरा ऐप है उसके अंदर आप एक्सटर्नल माइक्रोफोन से वॉइस को रिकॉर्ड ना कर पाओ, तो उसके लिए आप ओपन कैमरा एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे, उसके अंदर आप इजिली एक्सटर्नल माइक्रोफोन से अपने वॉइस को रिकॉर्ड कर पाओगे। तो वॉइस क्वालिटी माइक्रोफोन का अच्छा है, बहुत ज्यादा प्रोफेशनल लेवल का नहीं है, पर यूट्यूब में यूज करने के लिए काफी अच्छी क्वालिटी का वॉइस ही आपको रिकॉर्ड करके दे देगा। अभी अपना सारा सेटअप कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस तरीके का दिखता है। अभी आप इसके वीडियो सैंपल देख लीजिए, उसके बाद मेरे को आप कमेंट करके बताइए वीडियो क्वालिटी आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये है वीडियो एंड ऑडियो क्वालिटी जो कि आप अचीव कर सकते हो इस वाले मोबाइल यूट्यूब सेटअप को इस्तेमाल करते हुए। मैं अपने Realme 7 स्मार्टफोन के अंदर वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, फ्रंट कैमरा में अपने वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और ऐसा क्वालिटी मेरे को देखने को मिल रहा है। ऑडियो क्वालिटी आप सुन सकते हो, इस वाले माइक्रोफोन से मैं ऑडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इस वाले माइक्रोफोन की बात करें तो ऑडियो बहुत ही क्लियर और लाउड ये रिकॉर्ड करता है। इसका जो खास चीज मेरे को लगा वो है इसका नॉइज कैंसलेशन। अभी मेरे सामने यहाँ पर फैन चल रहा है बट उसका नॉइज आपको बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रहा होगा बिकॉज इसका नॉइज कैंसलेशन काफी बढ़िया है। बैकग्राउंड नॉइज को ये बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर कर देता है। साथ ही ये वाला जो माइक्रोफोन है बहुत ही ज्यादा रिलायबल है एंड इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाला है। इसको मैंने लगातार 3 घंटे से भी ज्यादा टाइम यूज करी थी, बैटरी बिल्कुल भी खत्म नहीं हुआ था। साथ ही साथ इतने टाइम यूज करने पर भी मेरे को जो माइक्रोफोन है उसमें जरा भी इशू देखने को नहीं मिला। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो रहा या फिर वॉइस अटक अटक के रिकॉर्ड हो रहा है, इस तरीके का इशू मेरे को बिल्कुल भी देखने को नहीं मिला है। तो ये बहुत ही ज्यादा रिलायबल है, साथ ही साथ बहुत अच्छी क्वालिटी का ऑडियो रिकॉर्ड करके दे देता है, YouTube में यूज करने के लिए सफिशिएंट है। और दोस्तों मेरे पीछे ये जो ब्लैक कलर का बैकग्राउंड आप देख रहे हो ये आपको Amazon पर लगभग 300-400 रुपए के अंदर इजीली मिल जाएगा। ये एक ब्लैक कलर का क्लॉथ है, तो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दूंगा। अभी दोस्तों आप मेरे को कमेंट करके बताओ मेरा ये जो सेटअप है ये आपको कैसा लगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए।